ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी ने एक्टिविटी से रिलेटेड मैसेज देखा होगा, रीड किया होगा। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बॉयज को कुर्ता पजामा पहनकर ईद कैप के साथ हैप्पी ईद बोलते हुए अपना वीडियो बनाना है, और गर्ल्स को कुर्ता पजामा विद दुपट्टा और सुंदर से तैयार होकर आप हैप्पी ईद बोलते हुए वीडियो बनवाएंगी। प्रयागराज के झूसी इलाके में स्कूल के ईद वाले दिन पर किए जाने वाले एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को लेकर जमकर बवाल मच गया है। ऐसा बवाल मचा कि पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली है। दरअसल BHP के गोरक्षा प्रांत मंत्री लालमणि त्रिपाठी ने स्कूल की प्रिंसिपल बुसरा मुस्तफा के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने ईद से पहले बच्चों को कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का फरमान सुनाया था। इसको लेकर एक ऑडियो भी वायरल है, लेकिन यूपी तक इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन लालमणि त्रिपाठी कई गंभीर आरोप लगाते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हिजाब के नाम पर कर्नाटक में अशांति फैली थी। ठीक हिजाब का दूसरा रूप नए न्याय नगर पब्लिक स्कूल हवेलिया झूसी के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया, और इन्होंने ईद के मौके पर विद्यालय के जो बच्चे थे उनके अभिभावकों को एक मैसेज भेजा गया कि आप अपने बच्चों से 20 सेकंड का वीडियो एक बनाएंगे जिसमें कुर्ता पैजामा पहनेगा बच्चा और जालीदार टोपी पहनेगा, उसके बाद ईद मुबारक बोल करके अपना नाम बताएगा तो उसको परीक्षा में हम वेटेज देंगे। इससे निश्चित ही जहां विद्यालय में सभी पंथ संप्रदाय व धर्म के लोग पढ़ते हों, उसी दिन हमारा अक्षय तृतीया का त्यौहार था, उसी दिन परशुराम जयंती थी, अगर उनको आपसी सामंजस्य कायम करना था, भाईचारा कायम करना था, तो वो अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को जोड़ करके उनको कोई मैसेज जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चों को मोटिवेट करके कि जो बच्चा ये सोचेगा कि हम जालीदार टोपी लगाएंगे तो परीक्षा में हमको अधिक नंबर मिलेगा, तो निश्चित ही उस बच्चे की आस्था धीरे धीरे उस जालीदार टोपी की तरफ बढ़ेगी और आने वाले में उसी हिसाब से वो धर्मांतरण कराने का काम करेंगे। तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश, जो शांतमय उत्तर प्रदेश था, उसमें इस प्रकार से घृणित घटना कारित करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, बच्चों को मोटिवेट करके उनको धर्मांतरण के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया गया। ऐसी स्थिति में मैंने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और मैंने ये मांग किया है कि प्रिंसिपल साहिबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, विद्यालय की मान्यता समाप्त होनी चाहिए, विद्यालय को कौन फंडिंग और कहाँ से फंडिंग हो रही है उसकी जाँच होनी चाहिए, विद्यालय किस भूमि में बना हुआ है SDM को चाहिए कि उस भूमि की भी जाँच होनी चाहिए, अगर वो अवैध भूमि में विद्यालय या सरकारी भूमि में विद्यालय बना हुआ है तो निश्चित तौर पर योगी जी का बुलडोजर उस विद्यालय पर भी चलना चाहिए। वहीं लालमणि त्रिपाठी के आरोप पर SSP अजय कुमार का कहना है कि इस पर जांच की जा रही है, अगर प्रिंसिपल की धार्मिक भावना भड़काने की मंशा का पता चलता है तो कार्रवाई की जाएगी, बिना जांच के कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये थाना कीटगंज जिला प्रयागराज का एक मामला है जिसमें एक पब्लिक स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्या द्वारा कथित रूप से एक मैसेज भेजा गया स्टूडेंट्स को कि एक खास परिधान धारण करके और हैप्पी ईद बोलना है। इस तरह का एक कंप्लेंट एक मिस्टर लालमणि के द्वारा थाने पर दिया गया। उनका कहना था कि ये एक खास धार्मिक भावना भड़काने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा था, हमारी FIR दर्ज करके इसको विवेचना की जाए। तो चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और उनका वर्जन हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए इसको FIR सुसंगत धाराओं में, जिसमें 295A और 153A जैसी धाराएं उसमें लगाई गई हैं, उसमें दर्ज कर लिया गया है, इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी। और ख़ास तौर पे यदि कोई इंटेंशन उनकी प्रधानाचार्य का नहीं है ऐसा, तो मामला ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अगर इंटेंशन के तहत जबरन कोई कार्य कराए जाने की मंशा है तो उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस मामले में प्रिंसिपल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।